जी रुकिए अरे क्या भाई इनका बहुत हर किसी के साथ लेके जाते चल आए तो चल के ठीक है सेंटर में एकदम झंडा तो दे करेगी तो झंडा तो रहेगा ना भाई भाई अभी मेरा काम करने दे ब्रदर हाय वेरी गुड आप लोग कैसे हो सब लोग बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके है ना कितना समय हो गया कांग्रेचुलेशन फिल्म लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है थैंक यू एंड नाउ अब Z5 पे आ रही है यस बहुत ही यूनिक प्रमोशन देखने को मिल रहा है यस आप बताइए कि कितने एक्साइटेड है जिसे लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया थिएटर पे एंड नाउ आपको बिल्कुल आई थिंक फिल्म को इतना प्यार मिला है और पूरी दुनिया भर से मिला है और आई थिंक मेरी दूसरी तमिल फिल्म है एंड जस्ट द काइंड ऑफ लव आई हैव गॉट इज अमेजिंग एंड नाउ ऑफ कोर्स Z5 पे उसका ग्लोबल वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है हम लोग सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जो प्यार थिएटर में मिला आई थिंक अब वही सेम प्यार अब प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगा बहुत बिजी हैं आप हर और हर पॉजिटिव खबर में आपका जिक्र है महारानी 2 हो या बॉर्ड प्रोजेक्ट हो या वर्ल्ड में ही हो या दुनिया भर की चीजें हो रही है आई थिंक इट्स आई डोंट नो इफ इट्स द बेस्ट फेज और नॉट बट इट्स डेफिनेटली अ गुड फेज आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थिंक आपने बिल्कुल सही बोला आई थिंक इतनी नेगेटिविटी हम सबके जीवन में पिछले 2 साल से चल रही थी तो एटलीस्ट माई एफर्ट वॉज कि आई एम गोना ट्राई एंड एक्सूड एज मच पॉजिटिविटी एज पॉसिबल एंड ट्राई एंड जस्ट डू गुड वर्क एंड ट्राई एंड बी अ गुड पर्सन अ बेटर पर्सन बाइक लवर है हुमा जी एंड बिल्कुल बिल्कुल बाइक आई थिंक हम सबको पसंद है बहुत समय से मैंने चलाई नहीं है मैंने एक्चुअली प्री लॉकडाउन सीखी थी बट अभी बहुत टाइम से आई हैव नॉट हैड प्रैक्टिस तो मैं आई थिंक नाउ आई एम गोना स्टार्ट राइडिंग माय बाइक अगेन होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड इंशाल्लाह आई थिंक कोशिश यही रहेगी आई थिंक बहुत बिजी साल रहेगा पहले में ऑफकोर्स को इतना प्यार मिला यू नो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू संजय सर फॉर गिविंग मी अ लवली सॉन्ग लाइक शिकायत एंड या उसके बाद भी आई थिंक बहुत सारी और जी के साथ तो मतलब उन्होंने मुझे अडॉप्ट ही कर लिया है आई डिड अ शो ऑल्सो मिथ्या विद देम व्हिच इज डन सो वेल एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिलीजेस देयर सीजन 2 महारानी देयर इज डबल XL यू नो देयर इज मॉर्निंग कॉल माय डार्लिंग सो बहुत आपसे बहुत मुलाकात होगी मिथ्या को लेकर बड़ा अप्रिशिएट करा गया जी एक्सपेक्टेड था और जिस तरह से सब कुछ जा रहा है हो सकता है रिपीटिंग है सर बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है और एक एक बार सेट कर दिया है आपने
आई डोंट नो अबाउट दैट, मेरा सिर्फ एफर्ट ये है कि मैं जब भी पर्दे पे आऊँ तो मैं कुछ अलग किरदार प्ले करूँ और जो मैं कर चुकी हूँ वैसी बिल्कुल नज़र ना हो। तो जैसे अगर आप मिथ्या में जो मैंने किया या जो मैंने शिकायत में किया उस गाने में या मैंने जो वाले में किया, आई थिंक आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर। तो हर दफ़े आप लोग जेन्युइनली सरप्राइज हों, यू नो नॉट जस्ट। हाँ आप चूज़ कर रही हैं या लोग आपका पहुंच रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है भाई? मैं अपनी मनमर्जी का करना है या ये काम करना है? नहीं ऐसा, आई डोंट नो ऑनेस्टली, एंड आई एम नॉट इवन क्वेश्चनिंग। आई थिंक आई हैव बीन रियली वर्किंग द लास्ट टू इयर्स, आई हैव ओनली बीन वर्किंग, एंड आई थिंक वो सारा काम अब एक साथ आ रहा है तो आई थिंक आपको लग रहा है। बट फॉर मी द प्रोसेस इज, आई थिंक व्हेन इंटरनली यू चेंज समथिंग द वर्ल्ड ऑल्सो चेंजेस अराउंड यू। सो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि बस काम पर ध्यान दूँ एंड और कोई लाइफ है नहीं मेरी जो भी मेरे यार प्रैक्टिस नहीं की है तो मैं, मेरा बहुत दिल था बट आई फील इट विल बी नॉट सेफ फॉर मी एंड फॉर अदर पीपल, सो दैट्स व्हाई पब्लिसिटी करनी चाहिए मगर सेफ्टी के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।